एक भोजपुरी की बेटी को बेइज्जत किया गया है भोजपुरी के द्वारा। तो जी हाँ नमस्कार दोस्तों, खेसारी लाल यादव जी ये बात बोल रहे हैं सोम्या पोखरेल के लिए। जी हाँ दोस्तों, वही सोम्या पोखरेल जो अपने हाथ पे खेसारी लाल यादव जी का टैटू बनवा के सोशल मीडिया पे वायरल हो गई। इन्हीं सोम्या पोखरेल के पक्ष में आकर के खेसारी लाल यादव जी ये बात बोल रहे हैं। दोस्तों बीते कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर हमको एक वीडियो देखने को मिला कि पवन सिंह के गाना पर सोम्या पोखरेल ने रील वीडियो बनाया है। वो रील वीडियो सोम्या पोखरेल से जबरदस्ती बनवाया गया या फिर सोम्या पोखरेल अपने मन से रील वीडियो बनाई ये किसी को नहीं पता, लेकिन एक वीडियो के जरिए दोस्तों सोम्या पोखरेल ने बताया कि वो रील वीडियो मैंने अपने मर्जी से नहीं बनाई, मुझसे हाथ पैर जोड़ करके वो रील वीडियो बनाया गया, अब वही लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं। दोस्तों यही सब देख करके खेसारी लाल यादव जी सोम्या पोखरेल के पक्ष में क्या क्या बातें बोल रहे हैं सुनिए। मैं गलत चीजों को बढ़ावा नहीं देता, मैं कहा किसी के गाना को बोलता हूँ कि उसको फ्लॉप करा दो, मैं कहा किसी के फिल्म को बोलता हूँ कि नहीं मत देखो, मैं अपना काम करता हूँ और मैं बेहतर करता हूँ तो दुनिया मुझे बेहतर आजमा। मैं किसी के बारे में गलत नहीं बोलता, मैं सच्चाई बोलता हूँ, मैं गलत नहीं बोलता, लेकिन लोग अपने ऊपर उसको ले ले। बताइए कि खेसारी लाल यादव के बाद सुपरस्टार कोई क्यों नहीं बना।